वो जो सहाबी थे जिन्होंने आके पूछा कि मैं क्या दुरूद ही पढ़ता रहूं, सरकार ने फरमाया हर टाइम दुरूद पढ़ें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज अफजल तरीन इबादत है, तो क्या दुरूद अगर वो पढ़ते रहें तो उस वक्त में क्या नफली नमाज छोड़कर दुरूद पढ़ना अफजल होगा या नफली नमाज अफजल होगी। देखें आप नमाज वगैरह को ना लें, जब आप फर्ज कहते हैं ना फर्ज, उसमें यकीन सी बात है फर्ज नमाज का बड़ा दर्जा है, लेकिन जब आप नफल नमाज की तरफ आ जाते हैं तो ये नफली आमाल में शुमार होती है, और नफली आमाल मुख्तलिफ होते हैं, कुछ जिस्मानी इबादत के जरिए होते हैं, कुछ कौली कौल के जरिए होते हैं। तो नफल होने में दुरूद और नमाज अब बिल्कुल बराबर है नफल होने के एतबार से, लिहाजा उसमें बल्कि दुरूद अफजल है। हाँ, अगर नफ्स नमाज में सुस्ती कर रहा हो और दुरूद की तरफ बढ़ रहा हो तो नफ्स कशी के लिए अगर नमाज अदा की जाए तो इसमें काफी सवाब मिल जाएगा। तो वो फर्ज के अंदर है कि नमाज सबसे अफजल होती है, फर्ज नमाज इबादत के अंदर, लेकिन जब आप नफल में आते हैं तो नफल आमाल बराबर होते हैं।